हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं हम। मैं रिएक्ट करूंगा डे सरफराज नवाज चेंज्ड फास्ट बॉलिंग फॉर एवर। ये वो नाम है सरफराज नवाज जिनके बारे में मैंने सुना है कि रिवर्स स्विंग इन्होंने ईजाद की थी, इन्होंने इन्वेंशन किया था इस चीज़ का कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है। रिवर्स स्विंग की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये वीडियो देख लेते हैं, बाकी बारे में इससे रिलेटेड बाद में कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। कुछ स्पेल होते हैं जो टीमों को मैच जितवाते हैं, कुछ सीरीज जितवाते हैं, कुछ स्पेल ऐसे भी होते हैं जो बॉलर का पूरा पूरा करियर बना देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तारीख का पहिया मोड़ देते हैं, क्रिकेट को एक नई चाहत दे देते हैं, एक ऐसी नई कला से मुतारिफ करा देते हैं जो तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। 1978-79 में पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान सरफराज नवाज ने एक ऐसा ही स्पेल किया था। ये वो स्पेल था जिसने दुनिया को बताया कि पुरानी गेंद को भी काबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता था। इस नए फन ने क्रिकेट को तब्दील कर डाला और 1980 की दहाई में किसी हद तक, 1990 की दहाई में बड़ी हद तक और 2000 की दहाई में खेल को अक्सर बदल कर रख दिया, जब दुनिया भर के फास्ट बॉलर्स को नई और पुरानी दोनों गेंदों को इस्तेमाल करना आ गया था। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर यहां रिवर्स स्विंग बहुत ज्यादा नहीं थी। तो फिर हुआ क्या? ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रैहम येलप ने टॉस जीतकर विकेट में मौजूद नमी का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। अमूमी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले मायानास बॉलर रिवर्स बॉलिंग स्टार्ट थे, लिहाजा रॉडनी हॉक और एलन हर्स्ट ने गेंद को ऐसा घुमाया कि मैच शुरू होने के कुछ ही देर के अंदर पाकिस्तान के 40 रन पर चार खिलाड़ी पवेलियन की राह देख चुके थे। बैटिंग लाइन ने मुज़ाहमत की लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 196 रन पर ढेर हो गई। एक भी हॉग ने चार जबकि हर्ष ने तीन खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भी चैन न लेने दिया। इमरान खान ने नई बॉल से शानदार गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बना रखे थे और इसमें सबसे अहम किरदार बाद अजां पाकिस्तान के कोच बनने वाले डेव वॉटमोर का था, जिनका ये पहला टेस्ट मैच था और उन्होंने 43 रन बना रखे थे। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान के मायानास कप्तान मुश्ताक मोहम्मद वसीम राजा को विकेट पर लेकर आए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लाइन लगा दी और 168 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ढेर हो गई। इमरान खान ने इस इनिंग्स में 26 रन देकर चार खिलाड़ियों को घर भेजा। तीसरे रोज के आगाज में पाकिस्तान ने बेहतर खेल का मुजाहिरा किया। माजिद खान और जहीर अब्बास ने तीसरी विकेट की शराकत में 135 रन बनाए और 2 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बना लेने के वक्त ऐसा लग रहा था कि माजिद खान और जावेद मियादाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा टोटल करवा देंगे। लेकिन फिर येलप एलन बॉर्डर को अटैक पर लाए, जिन्होंने दोनों खिलाड़ियों को यक्के बाद दीगरे आउट किया, तो इस वक्त तक माजिद खान 16 चौकों की मदद से 108 रन बना चुके थे। नीचे के नंबरों पर जबरदस्त मुजाहमत के बाद पाकिस्तान 353 रन करने में कामयाब हो गया और ऑस्ट्रेलिया को 382 रन का बड़ा टारगेट दे डाला। इस इनिंग्स में भी हॉक और हर्स्ट ने 3-3 विकेटें हासिल की। वॉटमोर ने एंड्रयू हिल्डिज के साथ ओपन किया क्योंकि ग्रैहम वुड पहले ही जख्मी हो चुके थे। सरफराज नवाज ने वॉटमोर को बाउंसर मारा जो कि इनके ग्लव को लगकर गेंद विकेटों में जा घुसी। हिल्डिज और बॉर्डर इकट्ठे तीसरी विकेट की शराकत में 60 रन बना चुके थे तो सरफराज ने अपनी दूसरी विकेट हासिल की क्योंकि हिल्डिज अपने लेग स्टंप का ध्यान रखे बगैर विकेट के बिल्कुल सामने खड़े थे और सरफराज ने टांगों के पीछे से बोल्ड कर दिया। चौथे रोज के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया 117 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बना चुका था और मैच का आखिरी दिन बहुत सनसनीखेज होने वाला था। हाँ, लास्ट दिन तक पहुंच गया था हमारा और फिर वो दिन। पांचवें दिन के शुरू में ही येलप ने पॉइंट पर एक शॉट खेली। बॉर्डर ने रन लेने का इशारा किया लेकिन येलप को दौड़ने में कुछ देर हो गई। आसिफ इकबाल के लिए ये एक दो लम्हे बहुत थे। उन्होंने बिजली की सी रफ्तार से गेंद उठाई और बॉलिंग एंड पर इमरान खान के हाथों में फेंकी। येलप क्रीज से अभी कोसों दूर थे और ऑस्ट्रेलिया 128 रन पर अपनी तीसरी विकेट गंवा बैठा। लेकिन इसके बाद लंबे अरसे तक पाकिस्तान को खुशी का कोई मौका हाथ ना आया। बॉर्डर और किम ह्यूज की जोड़ी नाकाबिले शिकस्त नजर आ रही थी। बॉर्डर ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और ह्यूज भी इसी तरफ बढ़ रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया 3 विकेटों के नुकसान पर 305 रन बना चुका था और सरफराज अटैक में वापस आए। अच्छा, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को फतह के लिए सिर्फ 77 रन दरकार थे और अभी चाय के वक्फे को सिर्फ आधा घंटा गुजरा था। इस विकेट की शराकत में 177 रन बन चुके थे जो कि पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट तारीख की उस वक्त तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी और इसने इयान चैपल और रॉस एडवर्ड्स के 175 रन का रिकॉर्ड तोड़ डाला था। वाह। इससे पहले सरफराज जान चुके थे कि वो पुरानी बॉल को भी नई बॉल की तरह ही घुमा सकते थे। अब वो मामूल से छोटे रनअप से बॉलिंग कर रहे थे और गेंद की रफ्तार भी निस्बतन कम थी, मगर रिवर्स स्विंग ये नाम अभी ईजाद नहीं हुआ था, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सरफराज नवाज हमेशा से कहते हैं कि उन्होंने सीधी सीधी गेंदें की और इन्हें मामूल की स्विंग मिली। ऐसी ही एक बॉल उन्होंने बॉर्डर को की जो तेजी से अंदर आई, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया
और इनके पैड को लगी और विकेटों में जा घुसी। इस वक्त बॉर्डर 105 रन पर खेल रहे थे। ह्यूज का साथ देने के लिए जख्मी ग्राहम वुड मैदान में आए, लेकिन पहली गेंद तेजी से अंदर आई और वुड इसे महज बल्ले का बाहरी किनारा ही लगा सके। विकेटों के अकब में वसीम बारी ने बाकी का काम कर डाला। ऑस्ट्रेलिया अब 305 पर 3 से 305 पर 5 पर खड़ा था और सरफराज हैट्रिक पर थे और मुश्ताक को शिकार की बू आना शुरू हो चुकी थी। अब विकेट पर पीटर स्लिप आए। वो किसी तरह हैट्रिक को रोकने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जल्द ही सरफराज ने इनको भी इस मुश्किल से आजाद कर दिया। स्लिप बगैर कोई रन बनाए एक अनप्लेएबल यॉर्कर के पीछे से पवेलियन को लौटे। केन राइट कुछ देर खड़े रहे, दूसरी जानिब ह्यूज ने भी कुछ रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें भी कामयाब ना हो सके। सरफराज की पुरानी गेंद अब कोई नहीं खेल सकता था। दूसरे एंड से इमरान खान भी बल्लेबाजों को हिलने का मौका फराहम नहीं कर रहे थे। उन्होंने ह्यूज को खुलकर कोई शॉट नहीं खेलने दी। बॉल मारकर ह्यूज ने फैसला किया कि वो सरफराज को आड़े हाथों लेकर इन्हें अटैक से अलहदा करवाएं, लेकिन इनकी ये कोशिश इन्हें और भी भारी पड़ी। एक उड़ता हुआ शॉट खेला जो मिड ऑफ पर खड़े मोहसिन खान तक ही पहुंच सका। ह्यूज उस वक्त तक 84 रन कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया अब तक 7 विकेटों के नुकसान पर 308 रन ही बना सका था। आगे जो कुछ हुआ वो बस हल्का हल्का याद रखने के काबिल है। वेन क्लार्क ने लेंथ को ठीक से जज ना किया और सरफराज की अंदर आती गेंद पर पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। सरफराज अब एक बार फिर हैट्रिक पर थे। ये पहला मौका था जब सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की। इससे पहले इनकी बेहतरीन कारकर्दगी 89 रन पर 6 विकेटें थी। इस मौके पर सरफराज ने पिछली 13 गेंदों में बगैर कोई रन दिए 5 विकेटें हासिल कर रखी थी। हैट्रिक तो एक बार फिर ना हो सकी क्योंकि हॉग ने किसी तरह LBW की अपील को सहार लिया। राइट और हॉग कुछ देर तक विकेटों पर खड़े रहे, लेकिन फिर सरफराज की एक तेजी से अंदर आती बॉल को हॉग समझ ना पाए और विकेटों के सामने गेंद पैड पर खा बैठे। अभी मैच खत्म होने में 12 ओवर्स बाकी थे। 2 गेंदों के बाद एक और बॉल हर्स्ट के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए वसीम बारी के हाथों में पहुंची तो ऑस्ट्रेलिया जो चंद मिनट पहले 3 विकेटों के नुकसान पर 305 रन बना चुका था 310 रन पर ढेर हो गया। स्टेडियम में शायकीन दम बखुद बैठे थे। सरफराज ने 86 रन देकर 9 विकेटें हासिल की और इस दोपहर उन्होंने 33 गेंदों में 1 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। इस मैच में उन्होंने 125 रन देकर 11 खिलाड़ियों को आउट किया और जाहिर है कि मैन ऑफ द मैच भी ठहरे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने इससे पहले ऐसी शानदार स्विंग बॉलिंग का मुजाहिरा कभी नहीं देखा होगा। 9 में से 5 खिलाड़ी बोल्ड, 2 विकेटों के पीछे कैच और 1 LBW हुए। सिर्फ 1 फील्ड कैच था। ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन के अवज 7 विकेटें गंवाई। राइट 1 रन बनाकर नॉट आउट वापस गए तो आखिरी 6 बल्लेबाजों में से वो वाहिद थे जिन्होंने 0 से ज्यादा रन किया था। ऐसे स्पेल ही खिलाड़ियों को देवताओं का दर्जा दिलाते हैं और इस खेल की तारीख में इनकी नजीर कम कम ही मिला करती है। सो ये थी कहानी पूरी उस मैच की जहां से इजाद हुई थी वो बॉल रिवर्स स्विंग जिसका नाम पड़ा। उस वक्त में किसी को पता नहीं था, ना खुद सरफराज जानते थे। उन्होंने भी शायद यही बोला था कि मैंने सीधी सीधी बॉल्स कराई थी बैट्समैन को और वो रिवर्स मतलब स्विंग होती गई और काम बनता गया और इतना तगड़ा मैच और इतने ज़्यादा विकेट वो ले गई थी एक मैच के अंदर, जिससे कि पता चलता है कि टैलेंट की कमी तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट में टैलेंट हमेशा से रहा है एंड नई नई चीज़ों का इजाद होता रहा है। सबसे ज़्यादा तेज़ बॉल का हो, स्विंग का हो, रिवर्स स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग दोनों एक ही बंदा करा रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकलती रही हैं। लेजेंड्स निकलते रहे हैं वहाँ से एंड एक और लेजेंड को हमने आज देखा, सरफराज नवाज, जिनका नाम रिवर्स स्विंग से जुड़ा और उसको इजाद करने के लिए उनको माना जाता है दुनिया में। और ये मैच था वो जहाँ से वो निकली थी बॉल कि रिवर्स स्विंग भी हो सकती है और पुरानी बॉल को भी खेला जा सकता है। रिवर्स स्विंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, ऑब्वियसली अगर क्रिकेटर क्रिकेट के फ़ैन हैं तो जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो रिवर्स स्विंग के बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता है। जैसा कि वो बॉल पुरानी हो जाती है तो रिवर्स का मतलब है उल्टी साइड में, जिधर आप ग्रिप उसकी डाल रहे हो, ग्रिप का मुंह है उसकी उल्टी साइड में स्विंग करना, बॉल को डाल इधर रहे हो, बैट्समैन को लगेगा कि ये इधर को जाएगी बॉल, लेकिन वो स्विंग दूसरी साइड में हो जाती है, उसको रिवर्स स्विंग कहते हैं। वो चकमा देने वाली बॉल होती है, बहुत ही ख़तरनाक बॉल होती है एंड रिवर्स स्विंग भी हवा में भी जाती है। आप बॉल ऐसे करके डाल रहे हो ग्रिप और वो जो हवा को काटती हुई जाती है उसका भी खेल होता है, उसमें स्पीड और हवा का भी खेल होता है, तो वो दूसरी साइड में जाकर आपके पैड या पैड पर टच हो सकती है या फिर आपको क्लीन बोल्ड कर सकती है। तो इस तरह की बॉल को पुरानी बॉल से करने का स्टार्ट किया था सरफराज नवाज ने एंड उनकी स्टोरी वाकई में लाजवाब थी। मैच हारते हारते को जिता देना और एक साथ इतने सारे विकेट ले लेना, डक मतलब
बत्तख बनाकर भेज देना सबको, तो वो बहुत ज़बरदस्त थी। वर स्विंग के बादशाह, और अब तो बहुत सारे लोग कराने लगे हैं इंडिया में। मैंने बहुत ज़्यादा इरफान पठान को दिखाया, वो अपनी कलाई सीधी नहीं मतलब यूं रखते थे और इस तरह से एंगल बनाकर डालते थे बॉल का, तो वो रिवर्स में भी आती थी कभी कभी, सीधी स्ट्रेट भी हो जाती थी। तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे एंगल होते हैं, बॉल का एक साइड से घिसा हुआ होना, पुरानी होना, और एक साइड से चिकनी बॉल होना, नई की तरह होना, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं इसमें। उसके बारे में डीपली मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो की बात करूंगा जो मैंने आज देखी है। तो वाकई में इसको देखकर मज़ा आया, अच्छा लगा कि यार उनके बारे में जानने को मिला जिसने रिवर्स स्विंग दुनिया में लाई, क्रिकेट हिस्ट्री में आज रिवर्स स्विंग का नाम है तो सरफराज से स्टार्ट हुआ है, एंड उनको खुद नहीं पता था कि ये मैंने क्या कर दिया। लाजवाब वीडियो था, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, लिंक्स भेजें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।